सो गाइस, आज की वीडियो में आपको तीन मेन टिप्स अबाउट पपी केयर के बारे में बताएंगे। फर्स्ट टिप, पपी फूड डाइट प्लान। सेकंड टिप, पपी ग्रोइंग अप। थर्ड टिप, पपी केयर। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस ऑल अबाउट डॉग की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ज़रिए मिलती रहे। टिप नंबर वन, पपी फूड डाइट प्लान। 20 to 30 days पपी को एक्सपर्ट माँ का दूध रिकमेंड करते हैं। माँ का दूध पपी के तमाम प्रोटीन्स को पूरा करता है और पपी के स्टमक को भी दुरुस्त रखता है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप माँ की डाइट को बेहतर रखें, ताकि पपीज की फीडिंग हर वक्त ठीक रहे। और कोशिश करें कि फीमेल डॉग की डाइट को चेंज ना करें, क्योंकि माँ की फूड चेंज करेंगे तो पपी का पेट ख़राब हो सकता है, और पपी को भी डॉग फूड ना दें। और इसी वजह से मैं कोई डॉग फूड आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। टिप नंबर टू, पपी ग्रोइंग अप। 20 to 30 days पपी की सबसे बड़ा ग्रोइंग का राज फीमेल डॉग यानी माँ का दूध ही है, क्योंकि पपी के लिए माँ का दूध ही ग्रोइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी ये है कि 20 to 30 days तक आप पपी को और कुछ ना दें, और माँ की जो डाइट दे रहे हैं फीमेल डॉग को थोड़ा ज़्यादा खाने को दें, क्योंकि वो पपी की फीड को फीड करा रही है। इसलिए जितनी अच्छी माँ की डाइट रखेंगे, उतना ही ज़्यादा पपीज की ग्रोइंग होगी। टिप नंबर थ्री, पपी केयर। पपी की केयर के लिए ज़रूरी है कि पपी को टाइम से दूध पिलाते रहें और पपीज को चेक करते रहें, और 30 डेज कंप्लीट होने के बाद आप पपीज को फर्स्ट वैक्सीनेशन कराएं और पपीज को चेक डेली करते रहें। अगर कोई मसला होता है तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।